हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको बता दूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो अपलोड नहीं किया था, तो वो सारे वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे एक एक करके। तो अभी पीछे से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अगले दो तीन दिनों में फिर कवर कर देंगे और फिर डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा। तो सुबह 8 बजे देखना मत भूलना डेली वीडियो। शुरू करते हैं और इस वीडियो में खासतौर पे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन किया उसके बारे में जानेंगे, फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया है, मेटावर्स क्या होता है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल के वक्त में, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है, तो किस वर्ड को चुना है, देश के किस पहले राज्य ने खुद के वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी है, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश के डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं, COP26 हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए उसके बारे में जानेंगे, पुनीत राजकुमार उनका निधन हुआ, समुद्रयान परियोजना शुरू हुई है केंद्र सरकार के द्वारा क्या है वो, एनक्लेट का नया अध्यक्ष केंद्र सरकार ने बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाईवेयर पेगासस उपयोग की जो जाँच चल रही है उसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई है वो क्या है, DRDO ने Agni-5 मिसाइल का परीक्षण किया है, कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास, इस तरह के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय PM की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM उसका पुनर्गठन किया, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, आंसर होगा विवेक देवराय। ओके, इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, अब उन्हें फिर से बना दिया गया। ओके, और 2 साल की अवधि के लिए ये पुनर्गठित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देश की अर्थव्यवस्था में इनका, ये प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि क्या किया जाए आर्थिक व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए। अन्य और भी सदस्य जैसे राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, TT राम मोहन, साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO के तौर पर किसके नाम को मंजूरी दी है, आंसर होगा बलदेव प्रकाश। ओके, जम्मू कश्मीर बैंक उसका मुख्यालय कहाँ है, श्रीनगर। ओके, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फेसबुक ने अपनी कंपनी का नया नाम क्या रखा है, आंसर होगा मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। ओके, ये होगा आंसर। हालांकि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो दूसरे उसके ऐप हैं उसका नाम वही रहेगा, जैसे फेसबुक का नाम फेसबुक ही रहेगा, केवल कंपनी का नाम बदल गया है, जो पहले कंपनी का नाम फेसबुक प्लेटफॉर्म्स इंक था अब वो चेंज होके मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक हो गया। ओके, इससे पहले भी जैसे गूगल ने भी अपने मूल कंपनी का नाम बदला था, पहले गूगल का नाम गूगल ही था उसकी पेरेंट कंपनी का नाम, लेकिन अब उसका नाम अल्फाबेट कर दिया गया कुछ साल पहले, तो इसी तरह से फेसबुक इंक का नाम बदल के मेटा प्लेटफॉर्म इंक रखा गया। ठीक है, तो उसी कंपनी के अंतर्गत कई सारे प्रोडक्ट होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी कई सारी कंपनियां उसके पास। फेसबुक ने ऐसा क्यों किया है, तो भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन यानी जिसको कहते हैं मेटावर्स, तो उसको हासिल करने के लिए खुद को रीब्रांड किया है और कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से FB की तरह यानी फेसबुक की बजाय मेटा प्लेटफॉर्म इंक यानी MVRS नाम से ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। ओके, जुकरबर्ग का कहना है कि मेटा शब्द जो है ग्रीक शब्द बियॉन्ड से आया। अब सवाल उठता है कि मेटावर्स होता क्या है, मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया है, इस तकनीक से आप वर्चुअली आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड एक तरह कह लीजिए जहां आपकी एक पहचान होगी, आप घूम सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, दुनिया में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह का होगा, वर्चुअली बातचीत कर सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में अलग ही दुनिया होने वाली है अगले 5 या 10 साल के अंदर में, तो उसी की तैयारी फेसबुक करने जा रहा है। कैसे काम करता है ये मेटावर्स, देखिए मेटावर्स जो है ऑगमेंटेड रियलिटी या कहें वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजी का के कॉम्बिनेशन के साथ काम कर सकता है। ओके, और ये कब तक मिल सकता है, तो फेसबुक का ये कहना है
कि अभी मेटावर्स बनाने की शुरुआती फेज़ है और इसमें डेवलप करने में 10 साल या 15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश है कि जल्दी ये काम हो जाए। हालांकि इसको समझना किसी एक कंपनी के बस में नहीं है, बहुत सारी कंपनियां मिलकर कर रही है और इस टेक्नोलॉजी पर गूगल भी काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं। ओके, एक उदाहरण दो, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और आने वाले वक्त में जिस तरह से आपने देखा ना 3G के बाद जो 4G आया, किस तरह से पूरी दुनिया चेंज होने लगी। आप वीडियो पर ही सारी पढ़ाई और सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो मेटावर्स आएगा आने वाले वक्त में, VR टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, तो उसमें अलग ही दुनिया होने वाली है। जैसे कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे होंगे, आप एक जगह बैठे हैं एक खास तरह का ग्लास लगाकर, दुकान में फ्रिज खोला आपने, वहाँ जो पसंद आ गई वो आपने परचेज कर लिया, डिजिटल करेंसी में उसको पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद वो सामान जो है वो आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। तो इस तरह के शॉपिंग रियलिटी भी होने जा रही है, एजुकेशन में बदलाव होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन अगले 5-10 सालों में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से नवंबर तक का अपडेटेड करंट फोर्स PDF अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो, ले सकते हो। तमाम एग्जामिनेशन में जैसे SSC GD हो गया, UP पुलिस का जो SI का एग्जामिनेशन चल रहा है, उन सब में क्वेश्चन टकरा रहे हैं बहुत सारे, देख सकते हो, और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है उनको अपडेट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सफर्ड लैंग्वेज ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? 2021 आंसर होगा वैक्स। ओके, इस बार मुकाबला जो है कोविड से जुड़े हुए अलग अलग शब्दों के बीच में था, कुछ शब्द तो बेतुके थे लेकिन आखिर में जैब, शॉट, फोसी, ओसी, इस तरह के नामों पर कंपटीशन हुआ। उसके बाद वैक्स VAX वर्ड जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज के सीनियर एडिटर फियोना मैफसर्न, उनका कहना है कि वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है, वैक्सीन को पूरा न बोल के वैक्स कहा जाने लगा और इसने सबका ध्यान खींचा, इसलिए ये वर्ड ऑफ द ईयर बन गया ऑक्सफोर्ड के लिए। वैसे तो 1980 में पहली बार वैक्स का इस्तेमाल हुआ था वैक्सीन के बदले में, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इस बार चूँकि COVID-19 हुआ तो ये शब्द काफ़ी पॉपुलर हो गया, वैक्सीन के बदले वैक्स बोल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जिसने खुद के वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 को मंजूरी दी है। आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के राज्य वन्य जीव बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसकी 17वीं बैठक हुई है, उसी के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। देखिए अभी तक क्या होता था कि सेंट्रल लेवल पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर वाइल्ड लाइफ इस तरह के एक्शन प्लान बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है जब एक राज्य ने बनाया है, वो है महाराष्ट्र, और इसको अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा 10 ईयर में। और महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ये ध्यान रखने की बात है। ओके, कई और भी डिसीजन लिए जैसे विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले के ताडोबी अंधारी टाइगर रिजर्व जो है उसकी सीमा को भी बढ़ाने की बात हुई है। तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बन गई हैं? किस देश की? आंसर होगा कनाडा। ओके, भारतीय मूल की हैं अनीता आनंद, पेशे से कॉरपोरेट वकील हैं और सत्तारूढ़ जो वहाँ पर लिबरल पार्टी है तो उसकी ऑकविले एक संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से वो सांसद हैं और 2019 में वो पहली बार मंत्री बनी थी, लेकिन अब वो वहाँ की रक्षा मंत्री बन गई। और महिला अगर बात करें कनाडा की महिला रक्षा मंत्री कौन सी हुई है तो सेकेंड वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा है अनीता आनंद। उनके पिता SV आनंद वो जनरल सर्जन थे और माँ उनकी सरोज डी राम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी। पिता जो हैं वो
तमिलनाडु से थी और माँ पंजाब से थी। अनीता का जन्म कनाडा में हुआ था, उनके माता पिता शिफ्ट हो गए थे कनाडा में। ओके, तो कनाडा में क्यों रक्षा मंत्री बदला गया है? दरअसल हुआ ये था वहाँ पर कि दो महीने पहले कनाडा में आम चुनाव हुए और उससे ठीक पहले, आम चुनाव से ठीक पहले सैन्य कमांडरों पर यौन शोषण का आरोप लगा था। और ये भी आरोप था कि तत्कालीन जो रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन, उन्होंने इस मामले को निपटाया नहीं और इग्नोर करते रहे। तो ऐसे में एक वुमेन को वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। कनाडा की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। COP26 उसका आयोजन किस शहर में हुआ? इंपॉर्टेंट है ये, आंसर ऑफ ग्लासगो, कहाँ पर? ये ब्रिटेन में, यूनाइटेड नेशंस COP26 का आयोजन हुआ 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, और ब्रिटेन ने इटली के साथ मिलकर इसको आयोजित किया है। ओके, तो इसके आयोजक कौन कौन थे? ब्रिटेन और इटली, दो देश थे और आयोजित हुआ ब्रिटेन में। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी साझेदारों या सहयोगियों का सम्मेलन। साझेदार का मतलब होता है सारे देश जो धरती के भूभाग और वातावरण को साझा करते हैं, यानी मिलजुल कर उपयोग करते हैं उसको। चूँकि ये 26वां सम्मेलन था, 26वां, इसलिए इसको नाम दिया गया COP26। और एक सवाल होगा कि COP26 इवेंट जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय मूल के हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में ही जन्म हुआ था उनका, बाद में उन्होंने वहाँ की नागरिकता ली, पॉलिटिक्स में उतरे और मंत्री भी रहे। तो कॉप जो है वो UNFCCC के अंतर्गत आता है, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका गठन हुआ था 1994 में। उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है उनको बढ़ने नहीं देना, उनको स्थिर रखना। ओके, और COP जो है वो UNFCCC का एक डिसीजन लेने वाली सर्वोच्च संस्था अथॉरिटी। पिछला सम्मेलन हुआ था 2019 में स्पेन के मैड्रिड में, और इस बार हुआ है ब्रिटेन में। ओके, तो COP26 का लक्ष्य क्या था? ये इस पर थोड़ा डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि COP26 जो है, या फिर कहें इन्वायरमेंट जो है वो आजकल एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली कितना प्रदूषित है, NCR प्रदूषित है, कई राज्य प्रदूषित हैं भयानक, सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ रहा है। तो इसलिए जो एग्जामिनेशंस हैं वहाँ भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये COP26 इम्पॉर्टेंट था, इसका जो लक्ष्य है वो बता दूँ आपको। लक्ष्य ये है कि 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो एमिशन, यानी वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित रखना, और तापमान जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्रोथ हुआ है तो उसको बनाए रखना, उससे ज़्यादा नहीं हो पाए। और इसके लिए कोयले को फेज आउट करने, यानी धीरे धीरे उसको ख़त्म करने, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने, अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने, और विकसित देशों को हर साल जलवायु वित्त में, फाइनेंस में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ओके, तो ये अच्छा, एक सवाल उठता है कि नेट जीरो, कि ज़ीरो एमिशन करना है तमाम देशों को, और सब कुछ देशों ने टारगेट भी कर लिया है कि 2030 तक या 2050 तक हम नेट जीरो कर लेंगे। उसका मतलब क्या होता है? क्या वो कार्बन उत्सर्जन करेंगे? नहीं, इसका मतलब होता है हम उतना ही कार्बन उत्सर्जित करेंगे जितना कार्बन हम अपने पेड़ों के द्वारा सोख लिए जाते हैं। ओके, एक तरह से संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी, थोड़ा महंगा भी है लेकिन प्राकृतिक रूप से हम इसको मेंटेन रखेंगे। ओके, कोयले के स्थान पर हम सोलर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी इस तरह के यूज़ करें, तो ये सब बात उसमें है। तो यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर क्या क्या कहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 GW तक पहुँचाएगा क्षमता, 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। अभी क्या है, जो हमारी बिजली की
जो खपत है बिजली इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें 70% कोयले पर आधारित हमारा जो टोटल प्लांट है, ओके सारे प्लांट 70%, तो उसको कम करना है, या फिर कहें दूसरी एनर्जी को बेहतर करना है, उसका यूज़ करना है सोलर एनर्जी की तरह। भारत 2030 तक कुल प्रोडक्टिव कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा उत्सर्जन। भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। ये भी भारत ने कहा है, यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन हो सकता है कि भारत कब तक ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य पूरा करेगा, तो 2070 तक भारत ने ये लक्ष्य किया। और प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात रखी। इस योजना में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्से में सोलर प्लांट लगाने और फिर उसे समुद्री केबल के जरिए एक ही ग्रिड से जोड़ने की बात है। मतलब ये है कि जब इंडिया में शाम हो रहा होता है तो उस वक्त सुबह हो रही होती है अमेरिका में, या फिर कहें अफ्रीका में दोपहर हो रही होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ ले लें। और जब इस वक्त इंडिया में अगर धूप है, जिस वक्त आप देख रहे हैं वीडियो मान लीजिए, तो उस वक्त किसी दुनिया के दूसरे क्षेत्र में वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाए वहाँ, तो ये एक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भाषा के फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर 2021 को हो गया? आंसर होगा कन्नड़। उनका निधन जिम में हुआ, एक्सरसाइज कर रहे थे, उस दौरान उनको हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। वो फेमस एक्टर राजकुमार के पुत्र थे, सिंगर भी थे, डांसर भी थे, और वो एक गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर, जैसे हिंदी में अमिताभ बच्चन का शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसी तरह से कन्नड़ संस्करण था, गेम का नाम था हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर, तो उसे भी वो प्रस्तुत करते थे जिस तरह से अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करते हैं उस तरह कन्नड़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्रयान परियोजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2021 में किस जगह की? आंसर होगा चेन्नई। वैसे तो शुरुआत चेन्नई से हुई है, लेकिन ये पूरे देश के लिए है, और ये परियोजना दरअसल डीप ओशन मिशन के तहत ही है, यूनिक ओशन मिशन कह दीजिए इसको। उद्देश्य यही है इसका कि जो समुद्री उप समुद्री गतिविधि है उसको अंजाम देना, गहरे पानी में मानव युक्त वाहन जो है वो भेजना सबमर्सिबल, और वहाँ से जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको निकालना, ओके। और ये खास करके सबमर्सिबल बनाने की बात चल रही है, कोशिश हो रही है, उसका नाम खास दिया गया मत्स्या 6000, कोड नेम दिया गया, और इसको चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT तो उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन रहते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपलीय न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ अपलीय ट्रिब्यूनल NCLAT तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया है? आंसर का जस्टिस अशोक भूषण, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। कब तक उनका कार्यकाल होगा? तो 4 साल की अवधि तक, या फिर 70 ईयर उम्र प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो उस वक्त तक होगा। नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्रिब्यूनल, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2016 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 नवंबर को, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके अनाधिकृत निगरानी की जांच जो हुई, तो उस जांच की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? आंसर होगा इसका जस्टिस RV रविंद्रन। और आपको बता दूं कि ये जो टेक्निकल कमेटी है वो जांच कमेटी पर नज़र रखेगी, निगरानी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निगरानी जांच हो रही है कि जो पेगासस का यूज़ हुआ है वो क्या हुआ है या नहीं हुआ है और कैसे हुआ है, उन सब को लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, DRDO ने किस द्वीप से, किस आइलैंड से
27 अक्टूबर 2021 को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहाँ पर है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आइलैंड, तो ये है ओडिशा में स्थित है। ओके, अग्नि 5 जो है वो एक परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरणों में ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। ये लॉन्च होती है मिसाइल और फिर जो अर्थ का जो निचली कक्षा है आसमान में वहाँ पर मूव करता है जहाँ पर सैटेलाइट होते हैं और उसके बाद अपने टारगेट को वहाँ अटैक कर देता है। तो ये इसकी इस मिसाइल का अग्नि 5 का जो साइज़ है वो 17 मीटर लंबा है, 17 मीटर, 2 मीटर चौड़ा है और इसका जो लॉन्चिंग है वजन है वो लगभग 50 टन है। ओके, और 1 टन से ज़्यादा परमाणु हथियार ले जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोंकण शक्ति 2021 नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में अरब सागर में कोंकण तट पर 24 से 27 अक्टूबर को आयोजित हुआ है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब मनाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह, आंसर होगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। ये सप्ताह केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, CVC के द्वारा। एनुअल ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम है और इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी आता है 30 अक्टूबर, तो उसी के दौरान ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जो तमाम करंट अफेयर्स है वो धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। एक और वीडियो आज इवनिंग तक आएगा, फिर कल मॉर्निंग को सुबह 8 बजे वीडियो देखना मत भूलना। अब रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, कोशिश ये रहेगी।